हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को मिनी इन्वर्टर का अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा, या फिर आप इसको कह सकते हो मिनी लाइटिंग सिस्टम फॉर CFL ट्यूब्स। आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है विथ एक्सटर्नल बैटरी कनेक्शन। इसमें एक्स्ट्रा एक बैटरी रहता है अंदर पे, और इसको मेंटेनेंस फ्री स्पेस है, पोर्टेबल है, इजी हैंडलिंग है, स्मॉल साइज है और लो प्राइस, लाइट वेट। इसका वेट लगभग 2 से 3 kg होगा। जो भी इसका वेट है, बस बैटरी का वेट है ज़्यादा। चलो मैं इसको खोलता हूँ और दिखाता हूँ इसमें क्या क्या दिया हुआ है। ये मेरा मिनी इन्वर्टर निकल गया। इसको खोलता हूँ और मैं दिखाता हूँ क्या क्या फीचर्स दिया हुआ है इसमें। चलो मैं अब दिखाता हूँ इसको कैसे ऑन करते हैं। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे दिया हुआ है मेन ऑन्स, UPS ऑन, चार्जिंग, ओवरलोड, लो बैटरी। ये 60 वाट का है। अब मैं इसको ऑन करता हूँ और ऑपरेट करके दिखाता हूँ। ये आप देखो, ये ऑन है, ऑन ऑफ, मेन ऑन ऑफ, इसको ऑन कर दिया, UPS ऑन हो गया। अब मैं ये LED लाइट को जला सकता हूँ। देखो आप, यहाँ पे LED लाइट लिखा हुआ है, तो इसको ऑन कर दिया, ये फिर ऑफ कर देता हूँ। ये होल्डर के लिए है, जो यहाँ पे मेरा होल्डर दिया हुआ है, एक होल्डर दिया हुआ है, यहाँ पे मैं CFL लगा सकता हूँ, उसके बाद इसका यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं इसको लगा देता हूँ और चेक करके देखता हूँ। अब मैं यहाँ से इसको होल्डर वाले को ऑन करूँगा। देखो आप, ग्लो कर रहा है। कर दिया, ये भी मेरा UPS ऑन है, उसका इंडिकेशन है। अब मैं चार्ज इसको लगाऊंगा, तो चार्ज में मेंस ऑन दिखेगा और चार्जिंग भी दिखेगा। अब इसके नेक्स्ट साइड मैं टर्न करके दिखाता हूँ क्या क्या दिया हुआ है। ये आप देखो, ये 3 सॉकेट दिया हुआ है, इसका इंडिविजुअल स्विच भी दिया हुआ है, फिर एक ये फ्यूज दिया हुआ है, खोल के दिखा देता हूँ। ये फ्यूज दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये फ्यूज है। आप इसको सोलर से भी चार्ज कर सकते हो, उसके लिए भी दिया हुआ है। आप जो 2 पॉइंट आएगा, एक प्लस एक माइनस, आप यहाँ पे लगा दो, सोलर प्लेट से ये चार्ज होने लगेगा। और अगर आपको DC फैन चलाना है तो उसके लिए भी दिया हुआ है, DC फैन के लिए। यहाँ पे आप प्लस माइनस जोड़ के इसका यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे CFL लगा सकते हो, या तो फिर कोई भी LED बल्ब यूज़ कर सकते हो, इससे LED बल्ब ऑपरेट कर सकते हो। ये मेरा चार्जिंग प्लग दिया हुआ है इसे चार्ज लगाने के लिए। इसके नेक्स्ट साइड देख सकते हो, बैटरी कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। अब मैं इसमें खोलता हूँ और दिखाता हूँ बैटरी कैसे लगता है। मेरा इसमें 12 वोल्ट 8 एम्पियर का बैटरी लगा हुआ है। इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव में लगाना है, नेगेटिव नेगेटिव में लगाना है। अंदर अंदर बैटरी लगा हुआ है शो। वो जब आप मार्केट खरीदने जाओगे तो इसको बैटरी को बाद में लगा के देता है, पहले से बैटरी लगा हुआ नहीं रहता है। देखो आप, ये मैं निकाल के दिखा देता हूँ, मैं ऑफ कर लेता हूँ पहले लाइट को। देखो मैं इसको निकाल दिया, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये 2.2 kg का है। जो भी वेट है, बस ये बैटरी का वेट है। इन केस ऑफ बैटरी अगर
आपका ख़राब हो जाता है तो आप रिप्लेस कर सकते हो बैटरी को। यहाँ पे प्लस प्लस में जोड़ देना है और माइनस माइनस में जोड़ देना है। मैं इसको लगा देता हूँ, उसके बाद और इसका फीचर्स देखता हूँ क्या क्या है, कैसे ऑपरेट कर सकते हैं आप। इसको लगा देता हूँ, फिर मैं चेक करता हूँ इसमें और क्या क्या फीचर्स दिया हुआ है और मेरा होल्डर काम कर रहा है या नहीं। सोल्ड, मैं इससे इस EFL होल्डर को चेक कर लिया, ये सही है, ये ग्लो कर रहा था। अब मैं दूसरा सॉकेट को चेक करूंगा कि इसका सॉकेट सही है या नहीं। तो उसके लिए मैं इसको पहले फिर से ऑन कर दूंगा और मैं अब इंडिविजुअल सॉकेट होल्डर में लगा के मैं चेक करूंगा कि ये ग्लो कर रहा है क्या नहीं। मैं स्विच देता हूँ, ये देखो आप, ये चल रहा है, इसको ऑफ कर दिया। फिर मैं सेकेंड वाले को चेक करूँगा, सेकेंड में लगाया, ये भी ग्लो कर रहा है। थर्ड में लगा लेता हूँ, देखो आप, ये भी ग्लो कर रहा है, मीन सारा मेरा सॉकेट सही है। अब मैं प्लग को लगा देता हूँ और चेक करता हूँ मेरा चार्ज ले रहा है या नहीं। ये मैं लगा दिया, आप देखो मेंस ऑन हो गया और चार्जिंग लेने लगा। अब मैं ये चेक कर लेता हूँ कि चार्जिंग लेते टाइम मेरा ये इन्वर्टर वर्क करेगा या नहीं। तो मैं पहले LED लाइट को जलाता हूँ, ये जल रहा है, मीन्स चार्जिंग के टाइम भी मेरा ये लाइट जलेगा। अब मैं होल्डर में लगा के देखता हूँ LED बल्ब को और देखता हूँ कि मेरा ये जल रहा है या नहीं। ये मैं लगा दिया, अब मैं ऑन किया, ये भी देखो, ये भी ग्लो कर रहा है। मीन्स जब मेरा चार्ज होगा इन्वर्टर उस टाइम भी मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ। अब मैं इसका कैपेसिटी बता देता हूँ, ये 60 वाट का है। इसको चार्ज करने में हमको 7 आवर लगेगा और मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ 3 आवर जब मैं 3 CFL यूज़ करूँगा, 1 और 2 सॉकेट में लगा के मैं जब यूज़ करूँगा तो इसको 3 घंटा यूज़ कर सकता हूँ। और जब मैं 5 CFL यूज़ करूँगा तो इसको मैं 2 ही घंटा यूज़ कर सकता हूँ। और मैं इसको मार्केट से परचेज किया हूँ 1500 में, ये मिल गया मेरे को। ओवरऑल ये मेरे को बहुत अच्छा लगा और प्लस पॉइंट ये भी है कि आप इसको सोलर सिस्टम से भी चार्ज कर सकते हो, सोलर प्लेट से भी चार्ज कर सकते हो। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, ऐसे ही आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।